सहारा ग्रुप रो अकाउंट धारी खुशी खबर द्वंद्व आ चिंतार अकाउंट धारी माने सेमानंको टंका आज फेरी पाइबा आरंभ कर शुक्रवार केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह से ही निवेशक मानक एक बड़ उपहार देखते शाह आज दिल्लीर सहारा रिफंड पोर्टाल मध्यम सहारा ग्रुप समवाय समितर जमाकारी दाबी परिमाण स्थानांतर करिछंती। केन्द्र मंत्री प्रत्येक हिताधिकारी 10,000 टंका मूल्यर प्रथम किस्ती हस्तांतर करिछंती। वर्तमान पर्यंत पोर्टाल 18,00,000 लोक पंजीकृत होइछंती। केन्द्र मंत्री अमित शाह कहते आज प्रत्येक 10,000 टंकार प्रथम किस्ती 112 हिताधिकारी हस्तांतर कर सूचनाजोग्य जुलाई 18 रे सहारा इंडिया रो निवेशकों निकट को टंका फेरस्त पाई नूआदिल्ली रे सहारा इंडिया पोर्टाल आरंभ करते पोर्टाल मध्यम सहारार से ही निवेशक मान टा फेरस्त कर निवेश अवधि समाप्त हो पोर्टाल सहारा इंडिया रो निवेशकों संपूर्ण बरणी रही। हमारे सहकारिता मंत्रालय के सभी टीम, हमारे सचिव, विशेष सचिव और इसमें साथ में स्टॉक होल्डिंग से लेकर जितनी संस्थाएं हमारी शामिल हुई हैं वो सब ने बहुत परिश्रम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और सहारा के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके गाड़ी पसीने की कमाई की पाई पाई आपको वापिस दे पाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, रेड्डी साहब का विशेष धन्यवाद क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद भी लोगों के भले के लिए इन्होंने इस असाइनमेंट को लिया है। कोई मैं जानता हूँ रेड्डी साहब को, इनके स्ट्रेचर के हिसाब से ये असाइनमेंट बहुत छोटा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तब मुझे लगता था शायद रेड्डी साहब अपनी स्वीकृति नहीं देंगे, मगर मैंने फोन किया कि साहब काम बहुत छोटा है मगर करोड़ों लोगों के लिए काम है, तब उन्होंने कहा नहीं अमित भाई मैं जरूर समय लूंगा और उन्होंने काफी समय भी दिया है। रेड्डी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विभाग की ओर से मैं करना चाहता हूँ, सहारा के निवेशकों की ओर से करना चाहता हूँ। अंत में सभी का धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ।